बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। फर्स्ट सेक्शन में तो वेव्स के क्वेश्चन बिल्कुल आसान गिवन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg इज अंडर अ टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। ओके, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20 मीटर। इफ द ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द डिस्टर्बेंस विल रीच द अदर एंड। तो बिल्कुल सिंपल है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेशन इन अ स्ट्रिंग। तो हमें पता है दैट द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन इन स्ट्रिंग इज T/μ। T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज 200 न्यूटन डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो मास आपके पास है 2.5, लेंथ क्या है 20, तो यहाँ 20 आ गया आपके पास। सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 40 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन दिस स्ट्रिंग। ठीक, फिर हमसे क्या पूछ रहा है कि डिस्टर्बेंस एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में कितनी देर लगाएगी। तो हम ये मान रहे हैं दैट दिस प्रोपगेशन स्पीड, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो कंटिन्यूस है, यूनिफॉर्म है, तो स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, देन यू कैन राइट दैट द टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, सो दैट इज 0.5 सेकेंड। इतनी देर में वेव एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। सो द करस्पॉन्डिंग करेक्ट ऑप्शन इज बी।